हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज ये वीडियो अपने एक नए कोर्स के ऊपर डिटेल देने के लिए मैंने बनाया है। इस कोर्स का नाम है 501 स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। तो कोर्स के ऊपर थोड़ा बाद में आते हैं, पहले थोड़ा सा वेबसाइट को देखते हैं। तो हमारी वेबसाइट आपने पहले भी देखी होगी, तो इसमें थोड़ी सी रिमोडिफिकेशन की है हमने कि पहले अगर हमारे कोर्स को अगर आपको एक्सेस करना होता था तो हम ग्रुप्स में कोई लिंक डालते थे या कोई डिटेल आपको शेयर करते थे। अब आपको सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट के अंदर मिल जाएंगी। सो अभी के लिए जो हमारा कोर्स रन कर रहा है, दैट इज़ ऑन इकोनोमेट्रिक्स, जो कि इस वीक में खत्म होने वाला है। और अगले वीक से हमारा नया कोर्स आने वाला है, जिसकी डिटेल मैं अभी देने वाला हूँ। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। दिस इज़ द होम पेज, जिसका टेक्निकली आपको इतना रिक्वायरमेंट नहीं होगा। जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए, जो बच्चे आईटी एग्जाम के लिए अपीयर करने वाले हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर पेज बनाया गया है यहाँ पे, जहाँ पे कि तुम पास्ट ईयर के सॉल्यूशन एक्सेस कर पाओगे। दिस विल बी पेड कोर्सेस। ओके, पहले फ्री में थे और मैंने देखा कि काफ़ी कोई भी इनको कॉपी कर रहा था, कुछ भी चल रहा था। सो हमने कोर्स को दोबारा से रिफ्रेम किया है, सारे सॉल्यूशंस को दोबारा से डिज़ाइन किया है। तो आप एक बेटर फॉर्मेट पे पूरे वीडियो सॉल्यूशंस को एक्सेस कर पाओगे। ओके, तो ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर नहीं है। दिस वीडियो इज मोर अबाउट ISS या फिर RBA। तो यहाँ पे आपको एक और पेज मिलेगा जिसका नाम होगा ISS करके। वहाँ पे अगर आप लोग जाएंगे तो हमारे जो भी ISS के कोर्स पीछे कवर हो चुके हैं या फिर आने वाले टाइम में जो भी कोर्स होंगे, उनकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम टेक्निकली पूरा ISS का कोर्स लॉन्च ना करके हम टॉपिक वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज अपने कोर्स को डिजाइन करते हैं। तो कोई भी अगर हम एक सब्जेक्ट लेते हैं, रफली उसको 4 से 5 हफ्ते के अंदर वो कोर्स कंप्लीट होता है। तो उस टॉपिक से, उस कोर्स से जितने भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, हम उन सबको कवर करते हैं। तो अभी हमारा जो कोर्स इकोनॉमेटिक्स चल रहा है, उसमें हमने मेजरली ऐसा ही कुछ किया है। तो अगर आप इकोनॉमेटिक्स का कोर्स लेना चाहते हैं, देन यू कैन गो ऑन द वेबसाइट एंड ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यू विल बी फाइंडिंग लाइक इफ आई गो फॉर द इकोनॉमेटिक्स। या तो इकोनॉमेटिक्स जैसे मिलेगा, यू कैन गो फॉर ज्वाइन नाउ एंड यू विल बी फाइंडिंग लाइक वन पर्टिकुलर लिंक। वहाँ पे आप जाके इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। बट द पॉइंट इज, इकोनॉमेटिक्स का कोर्स हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, सिर्फ एक वीक बचा है, दैट विल बी द फोर्थ वीक। तो पीछे वाले वीक्स की आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, वहां पे लाइव क्लासेस अब नहीं होंगी। ओके, दैट वाज समथिंग अबाउट इकोनोमेट्रिक्स। अभी की जो डिटेल है या फिर ये जो वीडियो है, दैट इज मोर अबाउट द अपकमिंग कोर्स। तो अभी अगले महीने से हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, SS501, दैट इज एडवांस स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। तो अगर आप फिर से वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे अगर आप यहाँ के ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते हैं, तो आपको ये एक और वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा। दैट विल बी लाइक ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं, जो हम लाइव क्लासेस लेते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द डिटेल्स। तो इस कोर्स में हम देखेंगे क्या, तो कोई भी बोलता है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, तो इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है वो तुमको समझना होगा। तो बेसिक आइडिया स्टूडेंट्स को पता है, सर हम कुछ इन्फर करेंगे अबाउट समथिंग। तो किसके बारे में इन्फर करेंगे, एक पॉपुलेशन के बारे में इन्फर करेंगे। क्या इन्फर करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन किसके भी आप पे, सैंपल के भी आप पे। तो इस पूरे कोर्स का मेन जो आइडिया होगा वो यही होगा कि व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द सैंपल अबाउट द पॉपुलेशन, दैट विल बी द आइडिया। ओके, तो ये कोर्स है, इसका टाइटल होगा हमारा 501, SS501। कोर्स का नेम रहेगा अपना एडवांस स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। इसका ड्यूरेशन होगा 5 वीक का और कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2nd of September से, ठीक है, टेक्निकली अगले वीक से। ओके, और इसका लेवल बैचलर्स लेवल पे नहीं होगा, थोड़ा सा एडवांस वर्जन होगा। तो कोई भी बच्चा मास्टर्स लेवल पे पढ़ना चाह रहा हो, ISS के लिए, RBI के लिए या फिर जैम के लिए, अगर कोई बच्चा प्रॉपरली इन्फेरेंस पढ़ना चाह रहा हो, या कोई अपने कोर्स के लिए भी, ये कॉलेज कोर्स के लिए मेरे को इन्फेरेंस पढ़ना है, सो दे कैन इनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। ओके, अब कोर्स का प्लान क्या होगा, सो वी आर गोइंग टू हैव लाइक 5 वीक, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि हमारा कोर्स 5 वीक तक चलेगा। ओके, तो पहले वीक में हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली क्लास तो वही रहेगी हमारे पास। टेक्निकली 5 दिन क्लासेस होंगी वीक में, 5 दिन। और उसमें अपने पास क्या होगा कि स्टार्टिंग के 4 दिन में हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे। और जो अपना लास्ट वीक हो, जो 5th डे होगा, उसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम सेट होगा हर वीक के साथ, जिसको हम क्लास में ही सोल्व करेंगे। तो 5th डे को क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है, जो हम अभी थोड़ा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी कोर्स जब स्टार्ट होगा तब बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीक वन में हमें देखना होगा कि इन्फेरेंस क्या होता है, उसका एक ओवरव्यू लेंगे, प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल का रिकैप करेंगे। ओके, सेकंड डे पे वी गो फॉर लाइक द सफिशिएंसी एंड द मिनिमल सफिशिएंट एस्टिमेटर। ओके, 3rd डे पे हमें कंप्लीटनेस देखना होगा, एक्सपोनेंशियल फैमिली देखना होगा। 4th डे पे हमें एंसिलरी वेरिएबल या फिर स्टेटिस्टिक और हमारा बासु थ्योरम को हमें पढ़ना होगा। तो पहले वीक में हमें ये सारे टॉपिक करने होंगे, जैसे ही चारों टॉपिक होंगे, सो दैट विल बी लाइक रफली आई फील दैट कि हर क्लास में जैसे डे वन पे जाते हैं, सो द क्लास ड्यूरेशन कैन बी लाइक मे बी 2 आवर्स, पहला सेशन है। डे 2 पे हम जाते हैं, सो वहाँ पे शायद 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है, 90 मिनट, दैट विल बी इनफ।
सिमिलरली डे थ्री एंड डे फोर पे 90 90 मिनट्स। ओके, सो रफली एज्यूम करके चल सकते हैं कि क्लास का ड्यूरेशन हर क्लास का होगा 1.5 आवर्स। ओके, तो चार ही क्लासेज होंगी, उसके बाद इन क्लासेज में हमने जो भी किया होगा वो 1.5 से 2 आवर भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन लाइक द कोर्स कि जिस भी फॉर्मेट पे चल रहा है, कभी कोर्स स्लो हो गया तो ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कोर्स जल्दी चला तो जल्दी भी एंड हो सकती है। दैट विल बी द आइडिया। ओके, और जो फिफ्थ डे होगा वहाँ पे हमारे जो भी पिछले 4 दिन में हमें कवर किया होगा उनसे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सेट होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम सेट तुमको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा कि जैसे जैसे कोर्स हमारा आगे बढ़ता जाएगा तुम प्रॉब्लम अटैम्प्ट कर पाओगे। प्रॉब्लम अटैम्प्ट करते रहो और फिफ्थ डे पे हम उन सबको डिस्कस कर लेंगे। ओके, इन द लाइव सेशन मूविंग अहेड वी गो टू द वीक टू इन विच वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अनबायस्ड एस्टिमेशन। फिर हमें पढ़ना होगा राउ ब्लैकुलाइजेशन, लेमन शेफे थ्योरम एंड सी आर इनइक्वालिटी। जैसे ही 4 टॉपिक कवर होंगे अगेन यू आर गोइंग टू गेट अनदर प्रॉब्लम सेट जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। वीक 3 में जाते हैं, देन वी हैव टू गो फॉर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स, मेथड ऑफ मूवमेंट्स एस्टिमेटर, एमएलई और एमओएम में क्या वेरिएशन है, क्या कंपेरिजन हम कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। एंड अगेन द प्रॉब्लम सेट नंबर 3। वीक 4 में जाते हैं, वी हैव टू गो फॉर इंटरवल एस्टिमेशन, देन वी विल गो फॉर लाइक एनपी लेमा, मोस्ट पावरफुल टेस्ट, मोनोटोन लाइकलीहुड रेशियो। ओके, एंड अगेन जैसे ही टॉपिक कवर होंगे अगेन वन प्रॉब्लम सेट। फिर हमारा आ जाएगा लास्ट वीक, इसके अंदर हमें यूएमपी पढ़ने होंगे, यूएमपी अनबायस टेस्ट पढ़ने होंगे। जैसे ही कवर करेंगे उसके बाद एलआर टेस्ट देखेंगे, तो एलआर टेस्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखेंगे, बहुत सिंपल वे में ना देख के थोड़ा सा उसको अलग अलग टॉपिक के साथ कंबाइन करने का ट्राई करेंगे। देन वी हैव टू गो फॉर लाइक लार्ज सैंपल टेस्ट, क्योंकि शायद अगर किसी ने मेरे पुराने सॉल्यूशंस देखे होंगे जो पहले यूट्यूब पे अवेलेबल थे, तो वहाँ पे मेरा क्या आइडिया रहता था कि जब भी हम एलआर टेस्ट लगाने वाले होते थे मैं हमेशा उस प्रॉब्लम को डील करता था लार्ज सैंपल थ्योरी से। तो मैं उसी को रिलेट करवाऊंगा कि कैसे हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं और चीज़ों को आसान फॉर्मेट पे सोल्व कर सकते हैं। दैट विल बी द आइडिया। तो जैसे हम ये कवर करेंगे हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा 4th डे होगा, उसके ऊपर हमने जो भी कोर्स में किया होगा 5th वीक में उस पूरी चीज़ को हम रिकैप करेंगे वीक 1 से लेके वीक 5 तक का। और वीक 5 के अंदर ही जो तुम्हारा 5th डे होगा उसमें तुम्हें एक एग्जाम मिलेगा, फुल लेंथ एग्जाम, दैट विल बी सब्जेक्टिव एग्जाम। रफली वी कैन अज्यूम कि जिसमें मैं यूनिवर्सिटीज एग्जाम लेती है 3 घंटे का एक एग्जाम होगा। तो पूरे कोर्स के अंदर हमें क्या मिलेंगे, 4 प्रॉब्लम सेट मिलेंगे, एक फुल लेंथ पेपर मिलेगा, और ये जो हमने जो भी अभी भी टॉपिक्स बताए ये सारे टॉपिक्स तुमको मिलेंगे। इन टॉपिक्स के ऊपर तुमको डमी लेक्चर मिलेंगे। कोई बच्चा अगर इकोनॉमेटिक्स के कोर्स में होगा तो उसको पता होगा कि हम हर क्लास से पहले एक डमी स्लाइड भेजते हैं जहाँ से बच्चा एक आइडिया ले सकता है कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। तो इस कोर्स में भी सेम ही चीज़ रहेगा, यू विल बी गेटिंग 1 डमी स्लाइड। उसी डमी स्लाइड को एक्सपेंड करके क्लास में पढ़ाएंगे, डमी स्लाइड में टॉपिक के नाम होंगे, क्लास नोट्स में थोड़ा डिटेल्ड वर्जन होगा। दैट विल बी द आइडिया। और जो क्लासेस होंगी वो तुम्हारी रिकॉर्डेड भी होंगी, बट अगेन द सेम थिंग, आई एम नॉट समवन जो बहुत ज़्यादा फेवर में हो रिकॉर्डेड चीज़ों के। सो मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि वो क्लास में आए, दे मस्ट अटेंड द क्लास लाइव। अगर तुम लाइव आते हो तो थोड़ा बेटर रहेगा, अगर लाइव नहीं आते हो तो यू कैन एक्सेस द रिकॉर्डिंग्स, बट कीप द रिकॉर्डिंग्स लाइक फॉर द फाइनल थिंग कि यार नहीं आया, मिस हो गया ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। इन दैट सिचुएशन गो फॉर द रिकॉर्डिंग आइदर और इन द अदर सेंस जस्ट ट्राई टू बी अटेंटिव इन द क्लास एंड ज्वाइन द क्लास। ओके, सो दैट विल बी द आइडिया। और जो क्लास की रिकॉर्डिंग्स होंगी वो अगले 1 साल के लिए वैलिड होंगी। तो हमारा जो भी कोर्स होता है, अगर तुम वेबसाइट पे जाओगे, अगर इकोनॉमिक्स भी खरीदोगे, तो मान लो तुमने आज खरीदा, तो आज खरीदने से वो 1 साल के लिए वैलिड नहीं होगा, दैट विल बी वैलिड फॉर 11 मंथ्स। तो जो कोर्स की स्टार्टिंग डेट होती है, अगली बार कोर्स की जो स्टार्टिंग डेट होगी तब तक वो वैलिड होगा, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाता है। ओके, तो अगर इस कोर्स की बात करें तो ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारा 2nd of September 2024 से। तो जो बच्चा 2nd of September 2025 तक पढ़ने वाला है उसको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी एंड ही कैन एक्सेस द रिकॉर्डिंग्स एनी टाइम एनी वेयर। दैट विल बी द बेसिक आइडिया अबाउट द कोर्स। एंड जो कोर्स की फीस, अगर यहाँ पे लिंक के ऊपर, मैं तो एडमिन हूँ तो मुझे दिखा नहीं रहा, तो अगर आप स्टूडेंट के बिहाफ पे अगर इस वीडियो के बाद लिंक वगैरह को क्लिक करेंगे या वेबसाइट से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फीस दिखाएगा। आई थिंक दैट इज अराउंड 5100 समथिंग। सो आई थिंक 5100 के आसपास कुछ फीस होगा, जस्ट क्रॉस चेक दैट थिंग, मे बी अबाउट टैक्सेशन एंड एवरीथिंग, वो शायद 5100 के आसपास है। सो यू कैन इनरोल इन द कोर्स एंड आई होप टू सी इन द क्लास। ओके, एंड आवर मोटो इज टू गिव द क्वालिटी कंटेंट रेदर देन लाइक ए लोट ऑफ कंटेंट। वी डिलीवर क्वालिटी कंटेंट एंड एनी स्टूडेंट हु हैज सीन आवर कंटेंट दे मस्ट नो दिस थिंग। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द कोर्स SS501। होप टू सी यू इन द क्लास। बाय।